हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सुप्रिया रंजन। पैथन प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तो पैथन प्रोग्रामिंग का जो हमारा लेक्चर चल रहा है तो उसमें मैंने उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ असाइनमेंट्स दिए थे। इसमें दो क्वेश्चन मैंने दिया था, तो कुछ लोगों ने ईमेल पे बना के भेजा लेकिन कुछ लोगों के डाउट्स रह ही गए थे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी और आप देखना और उसमें आपको समझाऊँगी कि ये कैसे हुआ, ठीक ना। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इन टाइप इनपुट। यहाँ पे बोल रहा है एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग को इन टाइप इनपुट लेना है, ठीक ना, बाय यूजर, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। स्टोर इन अ वेरिएबल, और एक वेरिएबल में सेव करना है, और प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन, और उसे सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है। तो हम लोग को एक क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, उसमें हम लोगों को यूजर से इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है और फिर उसको स्क्रीन में प्रिंट करवा देना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो हम अपने आईडीई पे आ गए हैं, तो उसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक आप एक वेरिएबल बनाओ, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं। अब बोल रहा था कि आप एक इंटीजर वैल्यू लो यूजर से, ठीक ना, यूजर से वैल्यू लेना है। तो हम लोग यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें हम लोग एक इंटीजर वैल्यू लेंगे। बट हम लोग अगर सिर्फ इनपुट यहाँ पे लिखते हैं तो वो कौन सा वैल्यू लेगा, इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना है, हम लोग को इंटीजर वैल्यू लेना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इंट फंक्शन लगाएंगे, int function लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग bracket भी लगा देंगे, ठीक है, हम लोग bracket लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये integer में change होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे string input by default क्या लेता है, हमारा string लेता है, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको integer value लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, int function का use करेंगे और integer में इसको convert कर देंगे। अब इसके अंदर हम लोग double quote में लिख देते हैं क्या, enter a integer value। अब डबल कोट के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं स्क्रीन पे प्रिंट हो कि इंटर आ इंटीजर वैल्यू, यूजर को क्या देखे, इंटर आ इंटीजर वैल्यू। आपको जैसे कि कोई भी वेबसाइट रहता है उसमें कुछ भी लिखा हुआ रहता है, तो कुछ अगर मांगता है तो नेम मांगता है तो ऊपर में लिखा होता है नेम, फिर उसमें आप नेम डालते हो, फिर सर नेम लिखा होता है तो सर नेम डालते हो, एड्रेस लिखा हुआ है तो एड्रेस यहाँ पर डालते हो। उसी तरीके से हम लोग भी स्क्रीन पर क्या दिखाएंगे, इंटर आ इंटीजर वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, तो मैम मैंने आपको बताया था कैसे करते नहीं करते, तो वही चीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया सिंपली, यह क्या करेगा, एक n वेरिएबल में इंटीजर टाइप का इनपुट ले लेगा यूजर से, ठीक ना। और यहाँ पे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, इंटर अ इंटीजर वैल्यू, ठीक ना। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देती हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे है, ठीक ना। तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं हैशटैग लगा करके। तो पहला क्या है, हमारा वेरिएबल है, एन क्या है, हमारा वेरिएबल है। हम लोग वेरिएबल में क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे इंट टाइप का int फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक ना, स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, int फंक्शन की हेल्प से वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था कि यहाँ पे आप लोग प्रिंट करवा दो, ठीक ना, इंटीजर वैल्यू जो था उसको प्रिंट करवा दो। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक ना। और इस हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं कुछ कि द इंटीजर वैल्यू इज, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये तो हमारा स्ट्रिंग है, ये तो हमारा स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा हुआ स्ट्रिंग है। तब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग को इंटीजर भी लिखना है साथ में। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या एन लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या एन लिख देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा एरर आने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाएंगे या फिर कोमा लगाएंगे, ठीक ना। मैंने आपको प्लस और कोमा में दोनों में डिफरेंस बता दिया था, क्या होता है, हम लोग कोमा लगाते हैं तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाता है, पर प्लस में ऐसा नहीं होता है। बट ध्यान देने वाली चीज़ें, यहाँ पे एन क्या है, हमारा एन इंटीजर है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये स्ट्रिंग लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते, हम लोग प्लस लगाएंगे तो हमारा एरर आएगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो हमारा स्ट्रिंग है और इंटीजर कैसे प्लस होगा। इसका आंसर हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ठीक ना, एक कोमा लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग लिखा है, फिर कोमा लगा करके इंटीजर लिखा है, ठीक है। तो बस बन गया हमारा प्रोग्राम, बस इसको हम लोगों को क्या करना है, रन करवाना है। तो हम लोग इसको रन करवा देते हैं। तो देखिए, इंटर इंटीजर वैल्यू आ गया, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 56 डाल देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा जो आउटपुट भी है वो आ गया, द इंटीजर वैल्यू इज 56। तो बस यही करना था पहले क्वेश्चन में, ठीक ना। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू
टेक टू स्ट्रिंग, अब बोल रहा है यहाँ पे दो स्ट्रिंग लेना है हम लोगों को बाय यूजर इन अ टू वेरिएबल, अब बोल रहा है दो स्ट्रिंग लीजिए उसको दो वेरिएबल में स्टोर करवाइए एंड प्रिंट इन वन लाइन, अब बोल रहा है एक दो वेरिएबल बनाइए दोनों में स्ट्रिंग स्टोर करवाइए यूजर से लेकर के और उसको एक लाइन में प्रिंट कर दीजिए। तो इसको हम लोग करते हैं, तो हम लोग आ गए अपने आई डी पे यहाँ पे, एक और हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं पैथन फाइल क्वेश्चन टू करके। शायद आप लोगों को जो मैं फाइल बनाती हूँ या ना देखे, ये आईडी के साथ सिक्योरिटी पॉलिसी के कारण नहीं दिखता है, बट मैं बोल देती हूँ तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आ गए। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि दो वेरिएबल बनाना है और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाना है यूजर से लेकर के। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वन एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एक यूजर से हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट और यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख देते हैं इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, सेम हम लोग को एक और स्ट्रिंग बनाना था उसमें यूजर से वैल्यू लेना था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग टू। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ से भी हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल कोट के अंदर वही लिखते हैं जो हम लोग को लेना, हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है बस। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों को क्या करना था, इसको एक लाइन में प्रिंट करना था, तो बाकी कुछ करना नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन लगाओ, लिख दो स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, बस सिंपल, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्या करना था, दो वेरिएबल लेना था, उसमें यूजर से स्ट्रिंग लेना था, ठीक ना, दोनों अलग अलग वेरिएबल में उसको एक लाइन में प्रिंट करना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लस लगाए हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कमेंट में प्रिंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, str प्लस str कर रहे हैं, ठीक ना। और दो स्ट्रिंग को हम लोग कैटिनेट करवा सकते हैं, दो स्ट्रिंग को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्लस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे एरर हमारा नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग रन करवाते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अप, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेटिव। ठीक है, हम लोग बस यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। देखिए एक लाइन में प्रिंट हो गया अप और एजुकेटिव, एक लाइन में प्रिंट हो गया अप एजुकेटिव, तो बस यही करना था। तो दोनों क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा पाइथन का कोर्स खरीद सकते हो, उससे ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस अगर आपको सिर्फ पाइथन पढ़ना है तो आप 300 देकर पढ़ सकते हो, या फिर आपको पूरा ही सारा कोर्स कॉम्बो खरीदना है तो आप 1049 देकर के पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये हमारा ईमेल है, इस पर आप ईमेल कर सकते हो या फिर नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी, आपको जो करना हो आप कर सकते हो। ठीक ना, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।